खबर देहरादून से है, जहां पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक चक्रता प्रीतम सिंह ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए 21 नवंबर यानी कि कल सचिवालय कूच का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि यूकेएसएससी भर्ती घोटाले और विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। उत्तराखंड की बेटियां अंकिता भंडारी और किरण नेगी हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई बेरोजगारी, बेतहाशा महंगाई के खिलाफ में, सिस्टम और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ में, प्रदेश के ध्वस्त और बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ, विभिन्न परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दिए जाने तथा मलिन बस्तियों के नियमितीकरण और मालिकाना हक दिए जाने की मांग के साथ सचिवालय कूच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 नवंबर को सुबह रेंजर्स ग्राउंड पर एकत्रित होकर सचिवालय तक कूच किया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, आप बार बार कहते हैं मेरी तरफ से कूच है। अरे मैं तो एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और सरकार को जो है कहते हैं ना हम सेफ स्पेस नहीं देना चाहते, उसको सचिवालय कूच करने का काम कर रहा हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संघर्ष है, अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है और आपके सामने यूकेएसएससी, ये तमाम चीज़ें डायल्यूट हो रही है।